हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सो गाइस, आज मैं आपको जयपुर रेलवे स्टेशन का पूरा व्लॉग दिखाने वाला हूँ और आपको पूरा टूर कराऊंगा जयपुर रेलवे स्टेशन का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम जयपुर रेलवे स्टेशन पे, तो चलिए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, बाहर से जयपुर रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए जयपुर रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू, बाहर से बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6-7 भी इधर ही है। चलिए आपको इंटीरियर व्यू दिखाते हैं। सो गाइस, चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन का अंदर का। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए मैं आपको रियर कैमरे से व्यू दिखाता हूँ। तो ये है गेट, तो चलिए यहाँ से एंटर करते हैं। सो गाइज, हमारे इंडियन रेलवे में स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन रीमॉडल के बाद कैसा दिखाई देगा। तो ये रहा उसका मॉडल। सो गाइज, आप देख सकते हैं नया जयपुर रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो ये है। चलिए अब अंदर की तरफ चलते और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं सामने कोई ट्रेन खड़ी है। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी ट्रेन खड़ी है। तो गाइस, हम आपको पूरा जयपुर रेलवे स्टेशन घूम के दिखाएंगे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखाते हैं, कौन सा लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे आप चाहे तो कपड़े भी, राजस्थानी कपड़े खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रेन के अंदर कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है। इधर देख सकते हैं खाने पीने की सुविधा है पूरा IRCTC का। चलिए आपको दिखाते हैं, इसमें लगा हुआ है VAP 7 और ये ट्रेन है बांद्रा टर्मिनस जैसलमेर, बांद्रा टर्मिनस जयपुर। ये है वडोदरा शेड का WAP 7 लोकोमोटिव, आप देख सकते हैं। ये वडोदरा शेड का WAP 7 लोकोमोटिव। तो चलिए अब आपको इधर दिखाते हैं। जयपुर को जंक्शन क्यों कहा जाता है, तो यहाँ से बहुत सी जगहों के लिए लाइन गई है। यहाँ से डायरेक्ट लाइन गई है जयपुर दिल्ली, जो कि मेन लाइन है। जयपुर से उदयपुर के लिए लाइन गई है, जयपुर से जैसलमेर के लिए लाइन गई है, और भी बहुत सी जगहों के लिए लाइनें गई हुई। और यहाँ पर डे 200 से भी ज़्यादा ट्रेनें रुकती है और यहाँ पे कम से कम एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लाख पैसेंजर यहाँ से रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। और NWR जोन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ही है। तो चलिए आपको इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो गाइस, ये ट्रेन निकल चुकी है जयपुर जंक्शन से।
यह ट्रेन निकल रही है जयपुर जंक्शन से। ट्रेन अचानक रुक गई है गाइस, पता नहीं शायद चेन पुलिंग हुई होगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।